मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आईएमसी प्रमुख सोमवार को देंगे गिरफ्तारी। आपको बता दे चले कि आला हजरत खानदान के सदस्य आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से रामपुर में प्रकरण हुआ, एक दुखद घटना है। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि सोमवार को अपने निवास आला हजरत दोपहर 1 बजे पैदल चलकर एडीजी कार्यालय जाएंगे और वहां से गिरफ्तारी देंगे। बरेली से हसानी की एक रिपोर्ट। रामपुर में जो वाकया हुआ, साजिश रची गई, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उन लोगों पर जिन्होंने सीए के वक्त में हिमायत की थी, किसानों के आंदोलन की हिमायत करने वो लोग गए, तो उनसे इतनी रंजिश और इतनी चिढ़ हो गई कि पुराने मामलात में उनको नोटिस जारी किए गए। और फरहत जमाली साहब का तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उन्हें नोटिस भी इसी नियत से नहीं दिया गया कि उन्हें गिरफ्तार करने की नियत पहले से थी। बाकी लोगों को नोटिस दिया गया, उन्होंने अपने जवाब भी दाखिल किए, लेकिन इन्हें जवाब दाखिल करने का भी मौका नहीं दिया, नोटिस भी नहीं दिया। इन हालात में मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे अभी तक दरगाहें महफूज थी, खानकाहें महफूज थी, लेकिन चूंकि मुस्लिम अवाम का दरगाहों और खानकाहों से ज़्यादा अकीदत का मामला रहता है और यहाँ छेड़छाड़ से बेचैनी पैदा होती है, इसलिए उन्होंने दरगाहों की तरफ रुख किया है। दरगाहों के ज़िम्मेदारान की भी अब ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरफ तवज्जो दें और सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए हुकूमत जिस किस्म की रविश पर चली है, जिस तरह फरहत जमाली के फ़ोन टेप किए गए और उनके एक ऑडियो को वायरल करके उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, इससे मैं ये महसूस करता हूँ कि वहाँ के प्रशासन ने फरहत जमाली साहब के लिए ज़ाती रंजिश का माहौल बनाया और ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया। तो इससे पहले के दूसरी जगहों पर भी इस किस्म का माहौल बनाया जाए। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या मुल्क में इमरजेंसी कैसे हालात हैं, किसानों के आंदोलन से हुकूमत की जो बदनामी हुई है और जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए अब दूसरे ज़राए और दूसरे तरीक़े, जो इनका पुराना तरीक़ा है खालिस्तानी और पाकिस्तानी वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी मैं महसूस करता हूँ कि ऐसी तानाशाही है कि आज़ादी ख़तरे में है। इससे पहले कि दूसरे लोगों के लिए साजिशें रची जाए, फ़ोन टेप किए जाएं और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएं, तो जब हमें आज़ादी से अपनी बात कहने का, आज़ादी से किसी की हिमायत करने का जब हमें इख्तियार नहीं है, तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है। मैं किसानों के आंदोलन की हिमायत में, फरहत जमाली की गिरफ्तारी की मुखालफत में, इंशाल्लाह पीर को इंशाल्लाह गिरफ्तारी दी जाएगी और इसकी भरपूर मजम्मत की जाएगी और इस ये जो माहौल बनाया जा रहा है इसकी मुखालफत की जाएगी। दरगाह से इंशाल्लाह मैं अपने क़यामगाह से पैदल इंशाल्लाह एडीजी साहब के कार्यालय जाऊंगा, वहाँ गिरफ्तारी।
इसमें और किन किन लोगों से बात हुई है आईएमसी के बैनर पे या तमाम लोगों से भी आपने अपील की है या कौन लोग साथ नहीं, मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ कि जो जिम्मेदारान हैं, जो कायदीन हैं, जो सूझबूझ रखते हैं और हक को हक और बातिल को बातिल कहने का जज्बा रखते हैं, जब उनकी ज़बान आज़ाद नहीं रही तो मैं ख़ुद गिरफ्तारी दूंगा, बाकी लोग आज़ाद हैं जैसे चाहें फैसला लें। मैंने अपना फ़ैसला लिया है कि इंशाल्लाह पीर को, मंडे को इंशाल्लाह एडीजी साहब के ऑफिस के सामने जाकर गिरफ्तारी दी जाए और तब तक जब तक मुल्क का माहौल, क्योंकि आज़ाद रहने के बाद भी हर वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहना और ज़बान पे ताले लगा के बैठ जाना, हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम जो हालात हैं, जो ख़राबियां हैं, उन ख़राबियों के ख़िलाफ़ बोलना हमारी ज़िम्मेदारी है, और अगर बोलने की इजाज़त नहीं है तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक नहीं। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।